join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. तो कैसे दरिया बन गई दिल्ली, आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। दिल्ली एनसीआर में आज भी जोरदार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, सड़कों पर गाड़ियों को चलने में कितनी दिक्कत है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, लेकिन कल से हो रही बारिश से दिल्ली का क्या हाल है ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली दरिया में तब्दील होती हुई। दिल्ली वासियों को हालांकि इंतजार था जल्द बारिश हो, उमस भरी गर्मी से राहत मिले। ये आईटीयू की तस्वीर है दिल्ली के, आप देखिए जो गाड़ियां हैं, चार पहिया वाहन हैं, वो भी कैसे पानी में आधे से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो 2 पहिया वाहन हैं उसमें तो लोगों को इतनी दिक्कत हुई कि उतरकर उन्हें उसे धक्का देकर इस सड़क से, इस रास्ते से निकालना पड़ा। ऑटो चालक हो या फिर रोज़मर्रा के काम के लिए घरों से निकलने के लिए लोग जब निकले तो फिर कैसे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। ये देखिए आईटीओ में जाम की तस्वीरें भी आप देखिए, ट्रैफिक कैसे रेंगती हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। बारिश से दिल्ली में इस वक्त बुरा हाल है। आईटीओ पर एक तरफ ट्रैफिक जाम, रुक रुक कर गाड़ियां चल रही हैं, साथ ही पानी भरने से लोग रोड तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये आईटीओ का ही मंजर है जो आप देख रहे हैं। कुछ जगहों पर गाड़ियां थमी हुई हैं, रफ्तार भी नहीं है, कुछ जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, यानी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ पूरा ट्रैफिक। लेकिन साथ ही जो लोगों की परेशानी बढ़ी, बाइक सवार लोग, अब देखिए मिंटो रोड की तस्वीर दिल्ली में, एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मिंटो रोड पर जो मिंटो ब्रिज है वो बंद करना पड़ा, इतना पानी भर गया था। देखिए यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पर जो सड़क में गड्ढे हैं या फिर और भी तरह की जो परेशानी है लोगों को समझ ही नहीं आएगी, तो रिस्क बहुत है और इसीलिए इसे बंद कर दिया है बैरिकेटिंग लगाकर। ये हर बार की तस्वीर है, हालांकि सिर्फ फर्क इतना है कि बारिश हुई है, नई तस्वीर आई है, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिल्ली के दरिया में तब्दील होने की हम देखते रहते हैं हर बार बरसात में। इस बार सितंबर में इस बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 2 दिन से जो बारिश हुई। जनपद की तस्वीरें आप देखिए, जनपद में ये पेड़ गिर गया है और यहाँ पर भी, और काफ़ी बड़ा पेड़ है जो गिरा है, तो बीच रास्ते में गिरने से तो आवाजाही तो इस रास्ते पे स्वाभाविक बात है कि बंद हो गई है। लेकिन कैसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। आप अपने घरों में हैं, चाय पकौड़े का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपके लिए एक तरह से सावधान करने वाली कि अगर आपने सोचा है कि मौसम अच्छा हुआ और घर से बाहर निकलना है तो बैड आइडिया। ये है फिरोज शाह रोड, दिल्ली की एक और तस्वीर आप देखिए, फिरोज शाह रोड की तस्वीर। दिल्ली में आज भी बारिश होने की वजह से लोग परेशान। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 पहिया वाहन वालों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना पानी भर गया है कि वो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे और इसीलिए इस भरे हुए पानी में रोड पर उसे धक्का देकर खींचना पड़ रहा है। अकबर रोड की तस्वीर, दिल्ली का अकबर रोड। तस्वीरें एक सी हैं, जगह बदल गई, आप इसे ऐसे समझिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। धीरे धीरे आवाजाही कम हो रही है क्योंकि लोगों को ये पता लग रहा है, या जी न्यूज़ के माध्यम से भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन रोड से, इन इलाकों से आपका आज कहीं जाने का प्लान है तो उसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आप कहीं भी किसी भी वक्त फंस सकते हैं। आप ये देखिए लोधी रोड का हाल देख लीजिए, हर तरफ पानी है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लोग परेशान हैं। जो लोग बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि सुबह से आज बहुत तेज बारिश थी, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हुई। धौला कुआं की तस्वीर अब देखिए, एक के बाद एक लोग कैसे इस दरिया को पार कर कर निकले हैं। हम ये देखिए, इसे दरिया क्यों ना कहा जाए, पूरी तरह से डूब चुकी है ये गाड़ी, इसलिए हम कह रहे हैं दिल्ली बन गई दरिया। कुछ इलाके हैं, आप ये भी समझिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर असल में दिक्कत है, जहां पर असल में पानी भरा हुआ है। अब देखिए धौला कुआं से अगर आपको गुजरना है तो आप क्या, आप इन तस्वीरों को देखने के बाद अपने घर से निकलेंगे? इसलिए ये तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। मूलचंद की तस्वीर देखिए, हालांकि मूलचंद पर कहते हैं कि लोग इसलिए भी जाते हैं, मूलचंद में पराठे वाला, पराठे की दुकान जो बहुत फेमस है, वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। बरसात में लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए भी निकलते ही हैं कि बरसात रुके, मौसम अच्छा है तो हम निकले, लेकिन ये बहुत बैड आइडिया होगा आपके लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑफिस के लिए निकले थे जरा उनका हाल देख लीजिए, कैसे इस पानी में फंसकर लोगों ने घंटों इंतजार किया
तब कहीं जाके वो अपने दफ्तर पहुंचे जहां उन्हें जाना था रोजमर्रा के काम के लिए। गोल मार्केट की तस्वीर देखिए, सिर्फ जगह बदलती जा रही है। बरसात, बरसात का पानी, सड़कें डूबी हुई, यही मंजर है पूरी दिल्ली का। तो दिल्ली वासी जो बरसात का इंतजार कर रहे थे, मानसून का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छा तब हुआ जब कल बारिश की शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, दो दिन की बारिश ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। तो इसलिए अगर आप इस बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं तो घर पर बैठकर कीजिए, बाहर निकलना सही आइडिया नहीं होगा। ये मथुरा रोड की तस्वीर, हर तरफ सिर्फ पानी, ये देखिए घुटनों से भी ऊपर तक का पानी भरा है। छोटे वाहनों के लिए तो बहुत दिक्कत है, वाहन चालकों के लिए बहुत दिक्कत है, और आपकी बाइक, आपकी स्कूटी, आपकी कार फंस सकती है बीच रास्ते में, आपके लिए दिक्कत पैदा हो। ये तस्वीर देखिए, ये मथुरा रोड की तस्वीर है। दिल्ली बन गई दरिया। बार बार मैं हम आपसे कह रहे हैं, क्यों दिल्ली हम कह रहे हैं दरिया बन गई इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जहाँ सरपट गाड़ियां दौड़ती थी, अभी यहाँ पर लंबा जाम लगा है। यहाँ पर तो लोग हैं ही नहीं, क्योंकि निकल ही नहीं पाएंगे अपने घर से, निकलना ही इतना मुश्किल है उनका। तो इसलिए अपने घर में रहिए, घर पर रहकर इस बारिश का मजा लीजिए। लेकिन ये तस्वीरें आपको चिंता में भी डाल सकती हैं, क्योंकि कुछ इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो बहुत निचले हैं, जहां पर हर बार पानी, वाटर लॉकिंग की जब समस्या होती है तो लोगों को अपने घरों में ही रहना पड़ता है। वो रोजमर्रा जरूरी सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जनपद की, मथुरा रोड की, मिंटो ब्रिज की, ITO की, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में। ये सब पॉश इलाके भी हैं, और इसी के साथ बारिश में सब कुछ तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज इलाके से हरीश झा हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि सितंबर 2009 के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की हुई है। लगातार 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मिंटो रोड पर, और मिंटो रोड अंडरपास की हमको कंडीशन दिखाऊँ कि बारिश की और पानी जल भराव के कारण जो है इस ब्रिज को पुलिस ने दोनों तरफ से बंद कर दिया है। जो ये अंडरपास है, लगातार जो सरकार, जो दिल्ली सरकार दावा करती है कि अब अंडर पास जो है दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मिंटो रोड का, वो उसमें पानी नहीं भर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि दोनों तरफ से पुलिस ने इसे बंद कर दिया है जल भराव के कारण। जितनी स्पीड से जो है पानी लगातार नीचे की तरफ, अंडर पास की तरफ आ रहा है, जिसके बाद पानी बहुत ज़्यादा भर गया है यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने दोनों तरफ से अंडर पास को बंद कर दिया है। आवाजाही के लिए पूरी तरीके से ये रोड बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हर साल जो तस्वीरें यहाँ से जो आती हैं कि जल भराव के कारण जो लोगों को परेशानी होती है, वाहनों को लगातार ख़राब होने के बाद यहाँ पर फंस जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर लंबी जाम की सिचुएशन भी लगातार जो है वो सामने आ जाती है। इस वक्त इसी हालात को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क है। दोनों तरफ पुलिस के जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, लोगों को यहां आने से बिल्कुल रोका जा रहा है। बारिश जो है वो लगातार जारी है, और अब तक 24 घंटे में जो है वो सितंबर का 12 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो सितंबर के 2009 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि पिछले 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। दिल्ली के मिंटो रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और ये अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये दिल्ली का शास्त्री भवन के इलाके का रोड है, और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ। देखिए, बारिश की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो पूरी थम गई है। लगातार पूरे सड़क पर जो है वो जल भराव की स्थिति दिख रही है। ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है, और दिल्ली में जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जो हकीकत देख रहे हैं हम, वो बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। जाम की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश अभी अगले दो दिनों में और होने देखने को मिल सकती है। तो अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में लोगों की जो परेशानी है, दिल्ली वालों की जो परेशानी है, वो और देखने को हमें मिल सकती है और बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी है। और अगले दो से तीन दिनों तक जो है मौसम विभाग के अनुसार बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी, और जल भराव की जो ये स्थिति आप देख रहे हैं ये आपको और देखने को मिल सकती है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब मैंने तीन सहयोगी दिल्ली में अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं, भावना मेरी सहयोगी है। मनीष, आप मुझे बताइए कहाँ पर हैं आप और कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं इस वक्त बसंत कुंज जा रहा हूँ, और कनॉट प्लेस दिल्ली का, वहां से हमने सफर शुरू किया था, लेकिन अभी भी मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। और 1.5 घंटे हो चुके हैं लगातार हम इस वक्त अभी भी रास्ते में हैं, और बारिश हालांकि अभी थोड़ी रुक गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर मैं बाहर का दिखाऊं तो
अगर आप देख सके यहाँ पे, तो धीरे धीरे चीजें सामान्य होने की सामान्य हो रही है। पानी का जो भराव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है जिस रोड पर मैं अभी हूँ, लेकिन यहाँ लगातार थोड़े थोड़े दूर चलने के बाद आपको हर तरफ जाम देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ी और तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि इस वक्त जो है आपको पानी जगह जगह रोड पर मिलेंगे। हमारे सामने अगर आप देखेंगे तो ये पता नहीं होता कि हमारी गाड़ी कब अचानक कहीं फंस ना जाए या हम इस जगह से निकल पाए ना निकल पाए, और निकल भी जाए तो कितने घंटे हमें रुकना पड़े। कई जगह पेड़ टूटे हुए अगर आप देखें तो इस तरीके से जगह जगह जो दिल्ली में, अगर दिल्ली की खूबसूरती अगर हम पेड़ों की बात करें, वो कई जगह पेड़ टूटे हुए हैं। तो पानी भरा हुआ है पूरी सड़क पर। जी पहल जी, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। कई मुख्य सड़कों की बात करें तो पानी बहुत ज्यादा भर गया है, घुटनों तक पानी है। वाटर लॉगिंग की वजह से जो ट्रैफिक है वो थम सी गई है। इस वक्त की बात करें तो हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद है। आप ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लबालब पानी इस वक्त आपको सड़कों पे नजर आएगा, और मेरे दाएं साइड आप देख सकती है कि जो ट्रैफिक है वो किस तरह से थम गई है, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, लोग पानी में फंस गए। ये जो रास्ता, ये बहुत प्रमुख रास्ता है जो मिंटो रोड की तरफ जाता है, सीपी की तरफ जाता है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। अब आप सोचिए मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया है पानी भरने की वजह से, अब लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही बाई तरफ की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए मेरे बाई तरफ ये स्कूल है, लेकिन पानी देखिए पूरे स्कूल में इस वक्त घुटने तक पानी भर गया है। जो टीचर्स और स्टाफ है वो आपको स्कूल के बाहर से आते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देखिए हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली के क्या है। कल भी राजधानी दिल्ली में बहुत बारिश हुई, आज सुबह से बारिश हो रही है, उसके बाद राजधानी दिल्ली में स्थिति इतनी खराब है कि जल भराव हो चुके हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, काम पे जाने वाले लोग सुबह से ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी दिल्ली में जब भी इस तरह की बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है, उसके बाद जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में दिल्ली की जनता पिसती है। और आप तस्वीर देखिए कि हम किस तरह से यहाँ पर खड़े होके जी न्यूज पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली के हालात किस तरह से हैं। जी पयोधी, भावना बनी रही है आप हमारे साथ, ब्रह्म प्रकाश भी है। ब्रह्म प्रकाश, आप भी बताइए आप कहाँ पर है ग्राउंड पे, क्या इस वक्त रियलिटी है? देखिए मैं इस वक्त मुस्लिम योजना हूँ नई दिल्ली के इलाके में, मैं भी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही 12 मिनट क्या पता चलता है। लौटेंगे ब्रह्म प्रकाश, आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, जी न्यूज आपको बता रहा है। आपको आज किस इलाके से नहीं जाना है जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाइए कि 2 दिन की बारिश में कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वो मानसून जिसका इंतजार कर रहे थे दिल्लीवासी, एनसीआर के लोग, उसी ने अब उन्हें परेशानी में डाल दिया है। दो पहिया वाहन चालकों के लिए कितनी दिक्कत है आप इन तस्वीरों में देखिए। धक्का देकर अपने बाइक स्कूटर को लोग निकाल रहे हैं इस रोड से, क्योंकि इस वाटर लॉगिंग की वजह से जो पहिए हैं वो थम गए हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली बन गई दरिया। मिंटो ब्रिज को बंद करना पड़ा बैरिगेटिंग लगाकर, वहां पर इस हद तक पानी है। हालांकि कहते हैं कि हर साल की बारिश में मिंटो ब्रिज के नीचे तो ट्रक तक फंस गया है, ट्रक तक पूरा डूब चुका है, ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आई थी। तो ये वही इलाके हैं जो हर साल वाटर लॉगिंग की वजह से दिल्ली वालों की परेशानी को बढ़ाते हैं, और यही तस्वीरें हम आपको इस साल की भी दिखा रहे हैं। सेप्टेम्बर में ये बारिश हुई, इस बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है कई सालों का, लेकिन उसी के साथ परेशानियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आप देखिए कैसे हर एक रोड पर इतना ज्यादा पानी है कि लोग जहां थे जहां तहां पर फंसे हुए हैं। गाड़ियां रेला पूरा है, रेंगती हुई नजर आएंगे आपको, ट्रैफिक जाम है, रुक रुक कर गाड़ियां चल रही हैं। ब्रह्म प्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ब्रह्म प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं, आप बताइए, तस्वीरें दिखाइए। उस सड़क पर भी पानी पूरी तरह से थम गया है, जोरबाग की तरफ गया है, सड़क पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, जमा है, चारों तरफ आपको इस तरह पानी नजर आएगा। इसने का मकसद भरा लेकिन बहुत ज्यादा जगह सड़कों
तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ब्रह्म प्रकाश, जो आपने दिखाई हैं लोधी रोड की, लेकिन आपकी आवाज ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन तस्वीरों के जरिए जो आप कहना चाह रहे हैं दर्शक भी समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पानी भरा हुआ है वहां पर, बारिश ने कैसे वहां के लोगों की भी मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। अब इन 6 अलग अलग तस्वीरों को आप देखिए, ITO पर कैसे जल भराव हुआ है, कश्मीरी गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के साथ सिविल लाइंस की तस्वीर आप देखिए, मिंटो रोड पर ब्रिज को बंद कर दिया गया क्योंकि बैरिकेटिंग लगानी पड़ी वहां पर, कई बार यहां पर बीच में इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ को, निधि चतुर्वेदी आपके साथ, दिखाएंगे तस्वीरें आपको, देश का दिल दिल्ली जब दरिया में तब्दील हुई तो कैसा था नजारा, आपको दिखाएंगे अलग अलग तस्वीरें। मानसून की सक्रियता के साथ ही दरिया में तब्दील हो गए दिल्ली के कई सारे इलाके, क्योंकि मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई अलग अलग राज्यों में कमोबेश एक से हालात हैं। अब आपको देश भर से बरसात की, बाढ़ की 25 तस्वीरें दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। तस्वीरें दरअसल किस तरीके से तालाब में तब्दील हुए देश के अलग अलग हिस्सों की होगी, दरिया में तब्दील हुई दिल्ली की होगी, जिसको देखिए आप, दिल्ली समेत पूरे NCR में आज सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। बरसात की वजह से मौसम सुहावना जरूर है, तापमान में गिरावट जरूर आई, लेकिन हालात कैसे हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जब सड़कें पानी पानी हो गई, ट्रैफिक जहां तहां रुक गया और कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक लग गई, कुछ लोग अपने वाहनों को धक्का लगाते नजर आए हैं। ITO में हर साल बरसात के बाद ऐसा ही मंजर होता है, वही हालात आज भी नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपके सामने है आफत की, बरसात की। तो ITO में किस तरीके से जाम लगा है, ये दूसरी तस्वीर। बरसात ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है, धीमा कर दिया है, जगह जगह जाम के हालात, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने। ITO पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, हर बार की तरह इस बार भी ITO ने चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग जहां तहां फंसे हैं, जाम की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पे रोक लग गई है, कतारें लंबी हो गई है। सुबह से लेकर अब तक बरसात का सिलसिला थामे नहीं थम रहा है, ऑफिस जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान कुछ वाहन पानी में फंसे नजर आए हैं। दिल्ली की रफ्तार पर रोक लगा दी इस मूसलाधार बरसात ने, गर्मी से निजात जरूर दिलाई लेकिन उमस के बीचों बीच दिल्ली की रफ्तार रुक चुकी है। जगह जगह जाम की तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने ट्रैफिक जाम की ITO इलाके से दिल्ली के। हम आपको 25 तस्वीरें आफत की बरसात की दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, बरसात से बेहाल दिल्ली में ये हालात कश्मीरी गेट इलाके हैं, जहां पे बसेस पानी में समाई हुई, वाहन पानी में समाए हुए, लोग पानी में फंसे हुए। एक बस बरसात की पानी में बुरी तरह से फंसी हुई है, देखिए जरा, लोग बस पर सवार हैं और बस पानी में समाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर कई फीट पानी है, वहां से निकल रही बस पानी की वजह से फंस चुकी है। बस में सवार यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, यात्री परेशान है, लगातार फंसे हैं, मोटर पाइप की मदद से पानी को निकाला जा रहा है। बरसात की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में यही हालात। ITO की तस्वीर आपने देखी, कश्मीरी गेट के हालात आपने देखे, मिंटो रोड हर बार की तरह इस बार भी मिंटो रोड पानी में समा चुका है, बैरिकेडिंग पानी में समा चुकी है, वाहन पानी में समाए हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है। और इस बार तो दिल्ली सरकार ने फिर से दावा किया था कि मौसम की मार के बाद हालात ऐसे ना होंगे, लेकिन क्या हालात हैं ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं। एक बार फिर से कुछ वक्त की बरसात, कुछ घंटों की बरसात और पानी पानी हुआ दिल्ली NCR। ये हालात आपके सामने मिंटो रोड इलाके के हैं, जहां पर जहां तक नजर जाएगी आपको पानी में तरबतर दिल्ली नजर आएगी। तो हम लगातार आपको 25 तस्वीरें, देश का दिल दिल्ली कैसे दरिया में तब्दील हुआ, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने 25 तस्वीरों में तस्वीर आपके सामने। इस वक्त एक और तस्वीर है, सिविल लाइन इलाका है दिल्ली का, दिल्ली NCR में एक से हालात है, तापमान गिर गया है, लेकिन मिंटो रोड के बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं सिविल लाइन में, देखिए घुटनों तक पानी में समाए हुए हैं लोग, वाहन पानी में समाए हैं, वाहन जहां तहां फंसे हैं, लोग सड़क किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों को धक्का लगाना मजबूरी है। कुछ ही घंटों की बरसात में कैसे ये हालात आपकी राजधानी दिल्ली के, ये तस्वीरें करती हैं तस्दीक। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि बरसात का ऑरेंज अलर्ट हम जारी करते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर देखिए हर बार की तरह इस बार भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं, जगह जगह जल जमाव, गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में समाई हैं, लोग धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। मिंटो रोड हो, ITO हो, कश्मीरी गेट हो, सिविल लाइन इलाका हो,
देखिए आपको जो पूरा पार्किंग एरिया है सिविल लाइन इलाके का वो पानी में समा चुका है, लिहाजा अपनी गाड़ियों को कैसे बाहर निकालें, घुटनों तक पानी भर गया, आधे से ज्यादा गाड़ी पानी में समाई हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, छठी तस्वीर आपके सामने दरिया में तब्दील हुई दिल्ली के इलाके की सिविल लाइन। तो सड़कों पर कई फीट पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, यह है आपकी दिल्ली। और फिरोज रोड दिल्ली में देखिए, वाहनों को धक्का लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये फिरोज रोड इलाका है दिल्ली का, कई साल के रिकॉर्ड को बरसात ने इस साल फिर तोड़ा है। अब आपको अगली तस्वीर, आठवीं तस्वीर दिखाएंगे हम मूलचंद इलाके की, यहाँ भी बरसात से बेहाल है हालात, पानी पानी है चारों तरफ, सड़कें पानी में समाई हुई हैं, बसेज हो निजी वाहन सभी पानी में समाए हैं और लोग जहाँ तहाँ यहाँ भी फंसे नजर आए हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक है, या यूँ कहा जाए ट्रैफिक काफ़ी स्लो है, मूलचंद इलाके का यही हाल है। राजधानी की कई सड़कों का कमोबेश यही हाल है, लगभग हर जगह गाड़ियाँ रेंगती नजर आ रही हैं, रुकी नजर आ रही हैं, पानी में घिरी नजर आ रही हैं। अगली तस्वीर आपके सामने दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके की है, कुछ घंटों की बरसात से तरबतर दिल्ली में। ये साउथ एवेन्यू इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं वाहन नहीं पानी ज्यादा नजर आ रहा है सड़कों पर। दिल्ली में आज रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है, हालात किस तरीके से भयावह हैं, अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कुछ रूट्स को अवॉइड करना होगा, यही एकमात्र विकल्प आपके पास है अगर आप नहीं चाहते कि आप इस भारी बरसात के बाद वाटर लॉगिंग के हालात में कहीं फंसें। और ये तस्वीर आपके सामने जनपद इलाके की है, दिल्ली के कई हिस्सों से पानी भरने की तस्वीर सामने आई है। तो वही जनपद में बरसात और तेज हवा के चलते पेड़ गिरने की तस्वीर आपके सामने है, भारी भरकम पेड़ एक गाड़ी पर गिर पड़ा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि हादसे के वक्त कोई इस गाड़ी में सवार था या नहीं, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो मौसम की मार के बाद किस तरीके के हालात, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक। अब गुरुग्राम चलते हैं आपको लेके, गुरुग्राम के हालात देखिए, दिल्ली NCR पूरा पानी में समाया हुआ है। गुरुग्राम के हालात भी कमोबेश वैसे हैं जैसे मिंटो रोड के, कश्मीरी गेट के, सिविल लाइन्स के, ITO के हैं। वाटर लॉगिंग है चारों तरफ, गाड़ियाँ पानी में समाई हैं, लोग पानी में समाए हैं, तमाम निजी वाहन है लोगों के, उसको धक्का लगाते लोग नज़र आ रहे हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आप बगैर किसी वजह के अपनी गाड़ी पर सवार होकर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो रोकिए। नोएडा की तस्वीर अगली आपके सामने होगी, गुरुग्राम के वही हालात हैं और नोएडा में भी वही हालात हैं। कई इलाकों में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला था और इस बदले मिजाज ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार को भी बदल दिया है। सुबह से बरसात ने मौसम खुशनुमा ज़रूर किया, लेकिन जल जमाव ने समस्या लगातार खड़ी की है। सड़कों के किनारे और कई सरकारी ऑफिस के सामने पानी इकट्ठा हो गया है। फिलहाल अभी एक दो दिन और बरसात ऐसी रहेगी। तो नोएडा की तस्वीर आपके सामने, आपको हम दिल्ली NCR कैसे दरिया में तब्दील हुआ उसकी 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जलगांव की तस्वीर आपके सामने, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसात की चेतावनी जारी। दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, महाराष्ट्र की बात करें मुंबई के तमाम अलग अलग जिलों में जबरदस्त बरसात ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि यहाँ पर भी कमोबेश वैसे हालात हैं जो दिल्ली NCR के हालात हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जलगांव इलाका है, जल में समाया हुआ, लगातार बरसात का सितम बरकरार, ज्यादातर इलाके फिलहाल जलमग्न हैं, जगह जगह आम जीवन पर जो असर है वो पड़ता हुआ, वाटर लॉगिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा है लिहाजा लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जहाँ तहाँ वाहन फंसे हैं, लोग फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों की तस्वीरें कमोबेश ऐसी हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मथुरा की तस्वीर आपके सामने अगली तस्वीर होगी, 25 तस्वीरें आफत की बरसात की और ये तस्वीर मथुरा की आपके सामने। तमाम कॉलोनीज में पानी की निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है, इससे लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा है और मथुरा में बीते दो दिन से रुक रुक कर बरसात हो रही है। परसों श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जन्माष्टमी का त्यौहार था, मथुरा में लोगों का हुजूम इस खास मौके पर बहुत जुटता है और ऐसे में लगातार हो रही बरसात एक चुनौती ज़रूर थी और अभी तक उस चुनौती से मथुरा के निवासियों को राहत नहीं मिल पाई है। अरे वो सामान, ये तस्वीर भी आपके सामने, आधी से ज़्यादा गाड़ी पानी में समाई हुई है। आप देख सकते हैं लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, चारों तरफ पानी से जो त्राहिमाम के हालात हैं वो इन तमाम तस्वीरों के जरिए जी न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे,
25 तस्वीरों में अगली 16वीं तस्वीर है वो नेपाल की है। पहाड़ों पर लगातार जो बरसात थी वो जारी थी। इस बीच में आपको यूपी के बहराइच की तस्वीर दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर है। चाहे हम घाघरा की बात करें, बहराइच में घाघरा हो, सरयू नदी हो, सबका जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर है। लिहाजा खतरा बहुत ज्यादा और बढ़ते जलस्तर से नदी के आसपास के इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। लखीमपुर खीरी की अगली तस्वीर आपके सामने है। 25 तस्वीरों में जो 17वीं तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो लखीमपुर की है। जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इस बीच लोगों को रेस्क्यू करने का भी एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है। लोग फंसे हुए हैं, तटबंध जो है वो टूट गया है, कई गांव में पानी समा गया है, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। पहाड़ों पर फटे बादल और मैदानी इलाकों में हो रही बरसात के चलते शारदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तटबंध के टूटने के चलते गांव पर बाढ़ का खतरा लगातार कायम है। इस बीच अगली तस्वीर यूपी के आजमगढ़ की। घाघरा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर है और जलस्तर के बढ़ने से आसपास के 15 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और इसके चलते लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। पानी के चलते किसानों की फसल तबाह हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिले के आला अधिकारी समेत विभाग के अन्य अधिकारी दौरा कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। आफत की बरसात में जो 25 तस्वीरें हैं उसमें अगली तस्वीर आपके सामने है, 19वीं तस्वीर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। परेशानियों में कैसे इजाफा हो रहा है वो तस्वीरें तस्दीक करती हैं। चारों तरफ गांव, लोग, वाहन और जो मवेशी हैं वो पानी में समाए हुए हैं। लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से यूपी में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है और इसके चलते नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और ये 25 तस्वीरें आपके सामने बरसात से मची जो त्राहिमाम के हालात है। इस बीच बिहार के हाजीपुर की अगली तस्वीर है इस वक्त आपके सामने। कई घरों में बरसात का पानी समा चुका है। 20वीं तस्वीर आपके सामने बिहार के हाजीपुर की। जगह जगह जल जमाव, जगह जगह फंसे लोग, घरों में, गांव में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इसके चलते लोगों को चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक चैनल गेट के टूटने से बांध में बने चैनल गेट के टूटने के चलते यहाँ पर पानी का बहाव काफी तेज है और ये तस्वीर आपके सामने हाजीपुर की है। देखिए जो ऐतिहासिक धरोहर है इस इलाके की उनको काफी क्षति पहुंचने की जानकारी, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ के हालात हैं और पानी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जल जमाव से किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की वो भी पानी में आधे से ज्यादा समाई हुई, उसको नुकसान पहुंचने की काफी जानकारी मिल रही है। और अब बिहार के छपरा लिए चलते हैं। आइए आपको गंडक नदी के उफान पर होने से पानापुर इलाके में दहशत का माहौल है। 22वीं तस्वीर आपके सामने छपरा से है। भारी बरसात के बाद बांध में रिसाव शुरू हुआ और इस पर एक्शन लेते हुए गांव के लोगों ने लीकेज बंद करवाने के लिए प्रशासन को सूचना दी तो वही अधिकारियों के समय पर न पहुंचने के चलते गांव के लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। और 23वीं तस्वीर आपके सामने है बिहार के जहानाबाद जिले की। भरे हुए पानी के चलते सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल पानी में डूब चुकी है, तबाह हो चुकी है। बीते एक महीने से खेतों में नदी का पानी भरने से काफी नुकसान है। किसान जो है बहुत निराश हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, किसानों को भारी नुकसान है। स्थानीय किसान का कहना है कि अब नदी का जलस्तर तो कम हो गया लेकिन खेतों में भरा पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लिहाजा चुनौती बहुत ज्यादा है। 24वीं तस्वीर आपके सामने होगी राजस्थान से। कई दौर की बरसात, कई दिन की बरसात से मौसम खुशनुमा हुआ, उमस में कमी आई, गर्मी में कमी आई, लेकिन देखिए हालात कैसे हैं। यहाँ पर भी वही हालात हैं जो दिल्ली एनसीआर के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के हालात हैं। पानी में समाया हुआ पूरा इलाका, जल जमाव से समस्याएं लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। निचले इलाकों में कमोबेश बहुत खराब हालात हैं। और 24वीं तस्वीर अब आपको दिखाएंगे राजस्थान के सीकर की। 25वीं तस्वीर के साथ आगे बढ़ते हैं। सीकर के जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर कैसे हालात हैं। सुबह से तेज बरसात हो रही है सीकर में,
निचले इलाके पानी में समा चुके हैं और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी और बरसात हो सकती है, लिहाजा सुरक्षित रहने के लिए आपको और हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज सुबह से तेज बरसात जारी है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।